हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, ये मोटो सी प्लस का फ़ोन है। दोस्तों, इसमें जो है एफआरपी लगा हुआ है, गूगल अकाउंट लगा हुआ है दोस्तों। और ये लगता कैसे, यदि आपने अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट किया है, फॉर्मेट किया है, अपना पैटर्न लॉक तोड़ा है, तो उसके बाद ये जो है आपका गूगल अकाउंट मांगेगा। देखिए, यहाँ पर ये गूगल अकाउंट मांग रहा है। और यदि आपको अपना गूगल अकाउंट नहीं पता है दोस्तों, तो आप अपना गूगल अकाउंट कैसे बाईपास करोगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हमें जो है अपने जो है वाईफाई कनेक्ट करना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें दोस्तों जो टॉकबैक इनेबल करना है, उसके बाद येल बनाना है स्क्रीन पर, उसके बाद यहाँ पर टॉकबैक सेटिंग पर हमें जो है डबल प्रेस करना है। उसके बाद सबसे नीचे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक पर जाना है हमें। यहाँ पे टीम सर्विस पे जाएंगे तो यहाँ से नेट पिक का पेज जो है बीच में खुलेगा। यहाँ से जो है फीडबैक पे जाएंगे, यहाँ से ओके करेंगे डबल के प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर एल बनाएंगे। एल बनाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट फीडबैक जो लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है टॉकबैक ऑफ हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ से हम टॉकबैक ऑफ कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा दोस्तों। तो यहाँ से सर्च बॉक्स में जाएंगे। सर्च बॉक्स में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें यूट्यूब सर्च करना है। यूट्यूब सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब हमारा खुलेगा। यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे, यहाँ पे दो तीन बार प्रेस करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से शेयर कर देना है, यहाँ से शेयर करेंगे। उसके बाद ये हमारा जो है डायरेक्ट यूट्यूब पेज पे ले जाएगा दोस्तों। यहाँ से इसको हम शेयर करेंगे, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा नेट स्लो है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर शेयर पर हम जब फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ से फिर से करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, हमारा नेट स्लो चल रहा है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से ओपन कर लेते हैं यूट्यूब। यूट्यूब जब यहाँ पे हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र हमारा जो है ओपन मांगेगा। इसको ओपन कर देंगे, नो थैंक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, हमारा जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है सर्च करना है दोस्तों, टेक्नो केयर एपीके। आपको पहला ऐप्स लोड करना है दोस्तों, टेक्नो केयर एपीके। तो यहाँ से चलिए, हम टेक्नो केयर एपीके जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। और टेक्नो केयर एपीके को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, हमें इसे इंस्टॉल करना है दोस्तों। इंस्टॉल करना है इसे डाउनलोड करके दोस्तों। बस एक ही ऐप्स आपको डाउनलोड करना है दोस्तों, और दूसरा ऐप्स आपको डाउनलोड नहीं करना है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और जो है मतलब ये नया ट्रिक है। आप इस ट्रिक को ज़रूर एक बार इस्तेमाल कीजिए। आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके जो है अपना एफआरपी बाईपास कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें टेक्नो केयर एपीके को जो है हमें यहाँ से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए, थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, टेक्नो केयर एपीके डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड को ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये डाउनलोड होने लगा है। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा टेक्नो केयर एपीके लोड हो रहा है। यहाँ पे हमने एपीएक्स लॉन्चर भी लोड किया था। कि आपको एपीएक्स लॉन्चर नहीं लोड करना है, सिर्फ टेक्नो केयर एपीके को जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर हम जो है टेक्नो केयर एपीके को जो है इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है टेक्नो केयर एपीके जो है इंस्टॉल हो रहा है। तब तक दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो है टेक्नो केयर जब एपीके जो हमारा जो है इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद इसको हम डन कर देंगे या ओपन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर हम यहाँ से चलिए डन कर देते हैं। डन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हम फिर बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में फिर से हम सर्च करेंगे एफआरपी फाइल। यहाँ पे हमें दोस्तों एफआरपी फाइल सर्च कर लेना है। एफआरपी फाइल को सर्च करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे ये आपको एक दिखा होगा सेटिंग, सेटिंग एपीके जो है ओपन। यहाँ पे सेटिंग एपीके जो हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सेटिंग जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें सबसे पहले दोस्तों जो है सिक्योरिटी में चले जाना है। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे डिवाइस इवेंट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से फाइंड माय डिवाइस को यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद फिर बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों, हमें जो है ऐप्स में जाना है, बहुत ही पुराना तरीका। ऐप्स में जाएंगे। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ से हम गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर दोनों को हम यहाँ से डिसेबल कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस को यहाँ से डिसेबल कर देते हैं और गूगल प्ले स्टोर को भी यहाँ से डिसेबल कर देते हैं दोस्तों। इन दोनों ऐप्स को यहाँ से डिसेबल कर देंगे। उसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों, हम फिर सेटिंग में, उसी सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अकाउंट ढूंढ लेना है। यहाँ पे हम अकाउंट ढूंढेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका गूगल अकाउंट मांगेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी आप यहाँ पे गूगल अकाउंट डाल सकते हैं, जो आपको जीमेल आईडी और पासवर्ड पता हो दोस्तों। तो यहाँ से चलिए, हम अपना अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जीमेल आईडी इसमें ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद दोस्तों, क्या करना है आपको, फिर बैक करना है। यहाँ पे देखिए, हमारा गूगल जो है इसमें ऐड हो गया है। अब बैक करेंगे। बैक करने के बाद फिर से हम सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद डिवाइस में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देंगे।
एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों हमें फिर दूसरा काम करना है, ये ऐप्स में जाएंगे। ऐप्स में जाने के बाद जिस ऐप्स को हमने डिसेबल किया था उन दोनों ऐप्स को हमें इनेबल कर देना है। गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर को हम यहाँ से डिसेबल किए थे, यहाँ से इसको इनेबल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से दोनों को हम इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। दोस्तों आप जो है इस मोबाइल को अपने रिस्टार्ट कर देना है। एक बार रिस्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे वेट करेंगे। दोस्तों हमने थोड़ा वीडियो को स्पीड बढ़ा दिया ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट होने के बाद हमें जो है सेम वही ट्रिक इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारा जो है फोन, मतलब हमारा ये जीमेल आईडी इसमें ऐड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये फ़ोन हमारा रिबूट हो रहा है। रिबूट होने के बाद दोस्तों हमारा रिस्टार्ट हो जाए। यहाँ से कुछ टर्म एंड कंडीशन मांगेंगे, उसको ओके कर देंगे। इसमें हमारा जो है गूगल आईडी ऐड हो गया है। यहाँ देखिए टॉलबैक मांग रहा है, तो यहाँ से टॉलबैक को हम यहाँ से सबसे पहले डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ से स्टार्ट पे स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार से हम जो दोस्तों अपने मोबाइल का जीमेल आईडी बाईपास कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कमेंट करके बताइए कैसे लगा आपको वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। ऑल डन।